दुष्कर्म के मामले में जेल की हवा खाने के बाद एक व्यक्ति ने अपनी पूर्व प्रेमिका की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर उसका मोबाइल नंबर भी डाल दिया। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की और आरोपी के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया। आरोपी ऑफ टॉवर टेक ऑफ हुड़केश्वर निवासी केदारनाथ मुरली प्रसाद पाठक बताया गया। पुलिस ने 28 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पीड़िता जनवरी 2020 में काम के सिलसिले में ग्रामीण आरटीओ कार्यालय गई थी। वहां उसकी पहचान केदारनाथ से हुई। दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और बातचीत शुरू हो गई। दोस्ती को प्रेम संबंधों में बदलते देर नहीं लगी। केदारनाथ और पीड़िता लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गए। केदारनाथ ने उसका साथ छोड़ दिया। पीड़िता ने उसके खिलाफ हुड़केश्वर थाने में शिकायत की। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर केदारनाथ को गिरफ्तार कर लिया। इस वजह से केदारनाथ को कुछ महीने जेल में रहना पड़ा। इससे वह बौखलाया हुआ था। जेल से छूटते ही उसने पीड़िता के नाम पर फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाया, उसकी अश्लील फोटो अपलोड करके एस्कॉर्ट सर्विस उपलब्ध होने का मैसेज लिखा और नंबर भी डाल दिया। पीड़िता को मनचलों के फोन आने लगे और तब उसे फेक अकाउंट का पता चला। उसने मामले की शिकायत पुलिस से की। हुड़केश्वर से पुलिस ने केदारनाथ के खिलाफ छेड़खानी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। सदर 27 वर्षीय महिला इन्हें गेल्या महिन्यात 30 सप्टेंबरला पोलीस स्टेशनला येऊन फिर्याद दिली होती की आरोपी नामे केदारनाथ पाठक राहणार टेकऑफ सिटी याने तिच्यावर जबरदस्तीने बलात्कार केला। तर सदर महिलेच्या तक्रारीवर आपण गुन्हा दाखल केला आणि आरोपीला सदर गुन्ह्यामध्ये अटक केली होती। आरोपी जवळपास एक महिना जेलमध्ये होता आणि गेल्या 30 ऑक्टोबर रोजी तो जेलमधून सुटला। सदर महिला काल पुन्हा पोलीस स्टेशनला आली। आरोपीने सदर महिलेच्या नावाने एक बनावट फेसबुक अकाउंट तयार केलं आणि त्या अकाउंटवर तिचा मोबाईल नंबर टाकला आणि तिच्यावर अत्यंत अश्लील मजकूर त्याने फेसबुकवर पोस्ट केलेला आहे। तिचा नंबर टाकल्यामुळे तिला अनेक नंबरवरून फोन किंवा मेसेजेससुद्धा येत होते। तर सदर महिलेच्या तक्रारीवरून आपण काल पोलीस स्टेशनला कलम 354 आणि आयटी ॲक्ट कलम 67 अन्वये गुन्हा दाखल केलेला आहे। आरोपीचा आपण कसोशीजन शोध घेत आहोत। आरोपी अद्याप आपल्याला मिळालेला नाही आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़, नागपुर।